नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दमोह जिले के पथरिया से। जी हां, पथरिया क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से अवैध उत्खनन चल रहा था, जिस पर प्रशासन सख्त हुआ है और कार्रवाई भी की है, कई वाहन जब्त किए गए हैं। जी हां, पथरिया क्षेत्र में लगातार जारी अवैध उत्खनन की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए अभी कुछ दिन पहले ही मीडिया में खबर आई थी, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। प्राप्त जानकारी अनुसार हमारे संवाददाता ने बताया है कि ग्राम घोघरी में अवैध उत्खनन में संलग्न वाहनों को जब्त किया गया है और आगे की कार्रवाई भी जारी रहेगी। इस संबंध में तहसीलदार आलोक जैन ने कहा है कि रात को जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम घोघरी में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। तत्काल ही मौके पर आरआई पटवारी को साथ में लेकर पहुंचा और जहां पर एक जेसीबी 7-8 ट्रैक्टर के साथ अवैध उत्खनन में लगी हुई थी, उसे जब्त कर थाना पथरिया में रखा गया। आगामी अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार करके कलेक्टर महोदय की ओर प्रतिवेदन भी भेजा जा रहा है। सुनिए जरा क्या कहना है इस मामले में तहसीलदार आलोक जैन का। 10 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि घोघरी गुलाल ग्राम में अवैध उत्खनन जेसीबी के द्वारा किया जा रहा है। तत्काल मौके पर पटवारी आरआई को लेकर पहुंचे और वहां देखा कि एक जेसीबी 7-8 ट्रैक्टरों के साथ अवैध उत्खनन में लगी हुई। तत्काल उसको जब्त किया गया और जब्त करने के बाद जेसीबी को थाना पथरिया में रखवाया गया। आगामी अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार करके कलेक्टर महोदय की ओर प्रतिवेदन भेजा जा रहा है।